हाय दोस्तों, मैं हूँ परमेश मलकोंड, एचआर प्रोफेशनल, मेंटर एंड ट्यूटर। बेसिकली मैंने इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश एंड मोटिवेशनल टॉक तीन भाषाओं में सिखा रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा में। आपको कौन सा लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशनल टॉक सीखने के, वो लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं। और ये तीनों लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में मैं सेव किया हूँ, प्लेलिस्ट में। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है परमेश मलगोंड, वेलकम टू परमेश मलगोंड यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को परमेश मलगोंड यूट्यूब चैनल को स्वागत है। सो परमेश मलगोंड यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट बोलकर एक ऑप्शन चुन लीजिए। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद बहुत फोल्डर हैं, इंग्लिश ग्रामर इन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी, इंग्लिश ग्रामर इन कन्नड़ा, ओके, स्पोकन इंग्लिश इन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी, प्रो स्पोकन इंग्लिश इन कन्नड़ा, मोटिवेशनल टॉक इन इंग्लिश, मोटिवेशनल टॉक इन हिंदी, मोटिवेशनल टॉक इन कन्नड़ा, ऐसा फोल्डर है। वो फोल्डर पे आप क्लिक कीजिए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएगा। और मैं आपको, ये क्लास 12 है, कौन ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहा है उन्होंने क्लास 1 से देख लीजिए, क्लास 1 से क्लास 2, क्लास 3 सीरियल के साथ आप देख लीजिए, आपको इंग्लिश ग्रामर मालूम हो जाएगा। और बहुत आदमी ने मेरा यूट्यूब चैनल में इंग्लिश ग्रामर सीख रहा है, मोटिवेशनल टॉक भी देख रहा है। आप भी दूसरा आदमियों को, दूसरा लोगों को, दूसरा स्टूडेंट्स को आप भी बोल सकते हैं। कैसा बोलना बोले तो, बोलने के लिए थोड़ा हमारे को इंटरेस्ट नहीं रहता है, रहे तो भी कैसा बोलना बोलकर हम सोचते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो है ना बहुत, इंग्लिश ग्रामर मोटिवेशनल टॉक, एक हफ्ते एक दिन में ग्रामर का, एक दिन मोटिवेशनल टॉक, ऐसा वीडियो ओपन करके उसके नीचे शेयर बोलकर रहता है, वो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद क्या व्हाट्सएप को भेजना, क्या फेसबुक को भेजना, ऐसा पूछते हैं, ओके। आप व्हाट्सएप स्टेटस कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक, वो व्हाट्सएप स्टेटस में क्लिक करने के बाद वो आपके मोबाइल में कितना आदमियों, कितना लोगों का कॉन्टैक्ट है, 100, 200, 1000, सभी को जाएगा वो स्टेटस। हज़ारों लोगों में, 100 लोगों में थोड़ा आदमी को, थोड़ा लोगों को मालूम हो गया तो उनको इंटरेस्ट है, तो उन्हें भी हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल में वीडियो देख के उन्हें भी इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशनल टॉक सीख सकते हैं, उनको भी बेनिफिट हो सकता है। बहुत लोगों ने देख रहे लेकिन रेफर कर रहे नहीं कर रहे मेरे को मालूम नहीं है। और आप देखने के बाद क्या कीजिए, आपको इंटरेस्ट आ गए तो, मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स भी लिखिए। कमेंट्स लिखने के लिए क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंटरेस्ट है तो लाइक कीजिए। आपको क्या तो बोलने का अच्छा है मेरा टीचिंग बोले तो भी वो कमेंट लिखिए, नहीं अच्छे नहीं रहे तो भी कमेंट्स लिख कीजिए, आपका इंटरेस्ट क्या है वो कमेंट्स लिखना, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, ओके। सो मैं आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, आप, मेरा रिक्वेस्ट है फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सअप और सभी सोशल वेबसाइट में आप शेयर कीजिए, बहुत लोगों को ये मेरा टीचिंग पहुंच जाएगा, उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, ओके। मैं आपको 5 टेक्निक बोला था, कौन सा टेक्निक, 5 से 10 शब्द, नया शब्दों का अर्थ ढूंढ लेना, और 15 मिनट फास्ट पढ़ना, 15 मिनट न्यूज़ सुनना, 15 मिनट बात करना, 15 मिनट ऐसे लिखना दूसरे दूसरे टॉपिक के ऊपर, ये टोटल 5 टेक्निक आप डेली करना, 6 महीने से 1 साल के अंदर आप ये कंटिन्यू किया तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। और ये 5 टेक्निक आप नहीं करें तो आपको अच्छी तरह इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो जाएगा, ओके। आपको इंग्लिश सीखना बोले तो ग्रामर भी सीख लेना और स्पोकन इंग्लिश भी होना बोले तो कंपलसरी 5 टेक्निक फॉलो कीजिए। बहुत लोगों को क्या है, इंग्लिश सीखना, ग्रामर भी सीखना, स्पोकन इंग्लिश भी सीखना बोलकर मन है लेकिन हार्डवर्क करने के लिए रेडी नहीं है, ओके। क्या है प्रॉब्लम, मेहनत करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, बहुत लोगों ने डायरेक्ट स्पोकन इंग्लिश सीखना बोलकर समझते हैं, उनको ग्रामर नहीं आता, बेसिक ग्रामर थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा शब्दों का मालूम, अर्थ मालूम है, थोड़ा रेडीमेड सेंटेंस मालूम है, और डायरेक्ट में हम स्पोकन इंग्लिश को जाके बात करना बोलकर जाते हैं। दो ही फार्मूला है इंग्लिश सीखने के लिए, एक इंग्लिश बात करने वालों के साथ ज़्यादा स्पेंड करना टाइम, सेकेंड नहीं तो ग्रामर सीख के स्पोकन इंग्लिश सीखना, ये दो रास्ता है, नहीं तो इंग्लिश नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश बात करने के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड आएगा, सिर्फ बात आते हैं लेकिन ग्रामेटिकली के साथ बात नहीं आते आपको,
क्या बात कर रहे हैं मालूम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा रॉन्ग करके बात करते हैं। लेकिन ग्रामर आप सीखने के बाद स्पोकन इंग्लिश बात किया ना, स्पोकन इंग्लिश सीखे ना, आप परफेक्ट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडेज क्लास इज आप आज का क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये क्लास 12 में मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो लेट्स गो फॉर लर्निंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीख लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, फ्यूचर बोले तो भविष्य, कंटिन्यूअस बोले तो चालू रहता है वो काम, टेंस बोले तो सिचुएशन काल। ओके, इसको अपूर्ण भविष्य काल भी बोल सकते हैं हम हिंदी में। ओके, कौन सा भी टेंस में हमारे को सब टेंसेस है। ओके, टोटल 3 टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उस एक एक टेंस में सब टेंसेस है, सिंपल, ओके, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं। इसमें कौन सा भी सेंटेंस हम क्रिएट करना है तो हमारे को क्या होना, सब्जेक्ट होना, हेल्पिंग वर्ब होना, मेन वर्ब होना, ऑब्जेक्ट होना। ओके, इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई वी प्रोनाउन आ गए तो शैल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करना, और यू ही सी इट दे प्रोनाउन आ गए तो विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करके मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस पर रहना, उस प्रेजेंट टेंस वर्ब को हम आईएनजी सफिक्स लगाना। ओके, आई वी को शैल बी हेल्पिंग यूज करना, यू ही सी इट दे को विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करना, और मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस पर रहना, उस प्रेजेंट टेंस वर्ब को हम आईएनजी सफिक्स यूज करना। ओके, अब हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस कैसा क्रिएट कर सकते हैं, हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट हमारे को क्या करना, पॉजिटिव सेंटेंस बोले तो सकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं इसको, इसको अंडरस्टैंड कर लेना। पॉजिटिव सेंटेंस बोले तो क्या बोलकर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, आई वी प्रोनाउन आ गए तो शैल बी हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना, क्योंकि मेन वर्ब कितना तरह रहता है, 3 तरह रहता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। वर्ब 1 बोले तो प्रेजेंट टेंस, वर्ब 2 बोले तो पास्ट टेंस, वर्ब 3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब 1 बोले तो सिंग। इस सिंग को आईएनजी ऐड लगाया तो क्या होता है, सफिक्स ऐड, आईएनजी ऐड लगाना सिंगिंग हो जाता है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट रहता ना, ये सॉन्ग तो लिखना, नहीं तो दो मेनी सॉन्ग्स तो लिखना, एक गाना गाना गा रहा है तो ये सॉन्ग लिखना, एक से ज़्यादा गाना गा रहा है तो मेनी सॉन्ग्स लिखना, और यू ही सी इट दे को हेल्पिंग वर्ब विल भी लगाना, मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस पे रहना, उसको आईएनजी हेल्पिंग वर्ब आईएनजी सफिक्स यूज ऐड करना, और प्रोनाउन ये सॉन्ग नहीं तो मेनी सॉन्ग्स। ओके, मैं और एक एग्जाम्पल लिखा हूँ इधर, आई शैल बी ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध पी रहूँगा, मैं दूध पी रहूँगा, फ्यूचर के बारे में हम बोल रहे हैं। ओके, फ्यूचर में हम ऐसा करते बोलकर बोल रहे हैं अभी, मैं दूध पी रहूंगा। ओके, मैं एक एग्जांपल आपको मैं पढ़ के इसका मीनिंग बोलता हूँ हिंदी में। आई शैल बी सिंगिंग ये सॉन्ग, एक गाना गा रहूंगा, वी शैल बी सिंगिंग ये सॉन्ग, यू विल बी सिंगिंग ये सॉन्ग, ही विल बी सिंगिंग ये सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग ये सॉन्ग, इट विल बी सिंगिंग ये सॉन्ग, दे विल बी सिंगिंग ये सॉन्ग। अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीख लेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे सीखना। ओके, नेगेटिव सेंटेंस से हम सेंटेंस क्रिएट करना है तो फर्स्ट हमारे को सब्जेक्ट आना, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस में नेगेटिव वर्ड आना, नेगेटिव वर्ड बोले तो नॉट। ओके, और मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस पर रहना, उसको आईएनजी सफिक्स ऐड लगाना, सिंगिंग हो जाएगा। ये मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में बोले तो वर्ब 1 लगाना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 रहता ना, वर्ब 1 सिंग, वर्ब 2 सैंग, वर्ब 3 संग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर पास्ट पार्टिसिपल। सो वर्ब 1 बोले तो प्रेजेंट टेंस सिंग, उसको आईएनजी ऐड लगा तो सिंगिंग हो जाएगा।
ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग नहीं तो मेनी सॉन्ग्स। अब मैं एक सेंटेंस पढ़कर आई भी आए तो शैल भी हेल्पिंग वर्ब आना और नॉट नेगेटिव वर्ड आना ओके। और यू ही सी इट दे को विल भी हेल्पिंग वर्ब आना, नॉट नेगेटिव वर्ड थर्ड प्लेस में, फोर्थ प्रेजेंट टेंस में रहना मेन वर्ब, उसको आईएनजी ऐड लगाना और ये ऑब्जेक्ट रहता ना ये सॉन्ग नहीं तो मेनी सॉन्ग्स लगाना ओके। मैं एक सेंटेंस पढ़ के आपको उसको हिंदी में मैं आपको मीनिंग बोलूँगा। आई शैल बी नॉट सिंग ये सॉन्ग ओके। मैं एक गाना नहीं गा रहूँगा। वी शैल बी नॉट सिंग ये सॉन्ग, यू विल बी नॉट सिंग ये सॉन्ग, ही विल बी नॉट सिंग ये सॉन्ग, शी विल बी नॉट सिंग ये सॉन्ग, इट विल बी नॉट सिंग ये सॉन्ग, दे विल बी नॉट सिंग ये सॉन्ग। अब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस सीख लेंगे ओके। इंट्रागेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन सेंटेंस और प्रश्नार्थक वाक्य ओके। इंट्रागेटिव सेंटेंस में आई वी प्रोनाउन नहीं यूज़ किया मैंने, यू ही सी इट दे प्रोनाउन यूज़ किया है ओके। हमारा हम प्रश्न नहीं पूछना उसलिए हम मैंने आई वी नहीं यूज़ किया ओके। फर्स्ट इंटरगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड आना, बाद में हेल्पिंग वर्ब आना, थर्ड प्लेस में सब्जेक्ट आना, फोर्थ प्लेस में मेन वर्ब, फिफ्थ में ऑब्जेक्ट आना ओके। यू ही सी इट दे को हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाना ओके। ये डब्ल्यू एच वर्ड बोले तो वाई व्हाट वेयर हाउ, कौन सा भी डब्ल्यू एच आता है ना वो शब्द में उसमें उसको हम क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं बोलते हैं और डब्ल्यू एच वर्ड भी बोलते हैं ओके। और इधर मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में ना उसको आई एन जी लगाना, सिंगिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग है तो मैंने सॉन्ग्स। मैं एक सेंटेंस पढ़कर मैं आपको मीनिंग बोलूँगा ओके। वाई विल बी यू सिंग ये सॉन्ग, आपने क्यों गाना गा रहूँगा। वाई विल बी ही सिंग ये सॉन्ग, वाई विल बी शी सिंग ये सॉन्ग, वाई विल बी सिंग ये सॉन्ग, वाई विल बी दे सिंग ये सॉन्ग। अब हम यस आर नो सेंटेंस पढ़ लेंगे सीख लेंगे ओके। यस आर नो सेंटेंस बोले तो हाँ तो बोलना, नहीं तो ना तो बोलना, ऐसा वो सेंटेंस रहते हैं उसको हम यस आर नो सेंटेंस बोलते हैं। यस आर नो सेंटेंस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आना, नेक्स्ट सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस ओके सॉरी, यस आर नो सेंटेंस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस मेन वर्ब, फोर्थ प्लेस ऑब्जेक्ट ओके। यू ही सी इट दे को विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाना, मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना, उसको आई एन जी ऐड लगाना, वो सिंगिंग हो जाएगा ओके। ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग नहीं तो मेनी सॉन्ग्स रहना। आई वी मैंने यूज़ नहीं किया, आपको यूज़ करना है तो कर लियो। आई वी को शी यूज ला शी हेल्प आई आई और वी को शैल बी हेल्पिंग वर्ब लगाना ओके। मैं एक सेंटेंस पढ़कर मैं आपको उसका मीनिंग बोलूँगा। विल बी यू सिंगिंग ये सॉन्ग, क्या आप ये गाना गा रहूंगा। विल बी ही सिंग ये सॉन्ग, विल बी शी सिंग ये सॉन्ग, विल बी इट सिंग ये सॉन्ग, विल बी दे सिंग ये सॉन्ग। विल बी यू सिंग ये सॉन्ग है ना, इसको दो तरह हम सेंटेंस कर सकते हैं। क्या आप ये गाना गा रहूंगा, आप एक गाना गा रहा होंगे क्या, ऐसा भी पूछ सकते हैं। क्या आप ये गाना गा रहा होंगे, आप ये गाना गा रहा होंगे क्या, ऐसा पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सिखाया हूँ। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरे को कमेंट्स में लिखना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भी आपके साथ अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ मेरा टीचिंग कैसा है बोलकर। ओके, आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, और आप बहुत प्रैक्टिस करो, आप अच्छी तरह इम्प्रूव हो जाओ इंग्लिश में। ओके, मेरा एक एम है कि आप कितने लोगों ने देख रहा है वीडियो, सभी लोगों ने बहुत रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यही आपको हेल्प करेगा। कितना भी आप सुनो टीचिंग करने वालों का, आप परफेक्ट नहीं होते। आप उन पर क्या पढ़ाते वो देखकर अंडरस्टैंड करने के बाद में आप प्रैक्टिस करना डेली 2-3 बार, 5 बार, 4 बार, 5 बार। ओके, और 5 टेक्निक्स भी फॉलो करना, और
मैं क्या बोला था आपको, मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो है ना, आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप स्टेटस में, ट्विटर में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, कहाँ भी सोशल वेबसाइट है आप शेयर कीजिए। ओके, और दूसरे दूसरे फ्रेंड को बोलिए, क्योंकि हम एक बिल्डिंग बनाना है तो क्या करना बोले तो फाउंडेशन होना पड़ेगा। फाउंडेशन करे तो बिल्डिंग कितना भी फ्लोर का हम बना सकते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हम फाउंडेशन ही नहीं किया, डायरेक्ट हम स्पोकन इंग्लिश जाना बोले तो नहीं आता। फाउंडेशन होना, फाउंडेशन बोले तो बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर टू हाई लेवल ग्रामर। आपको बात करना बोले तो बात फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में आ जाता है, स्टार्टिंग ही से हमारे को बात करोगे नहीं आएगा। ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।